आस्था व श्रद्धा भरी गाथा रह जाती है, आस्था व श्रद्धा भरी गाथा रह जाती है। विष्णु की वाटिका में अनेकों पुष्प खिलते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी सुवास से समूचे पृथ्वी को सुवासित कर देते हैं, अपने मकरंद को चौ दिशा में फैला देते हैं। इसी तरह से संसार में अनेकों व्यक्ति जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो अपने कार्यों द्वारा जन जन के हृदय को आह्लादित कर देते हैं। और ऐसा ही एक व्यक्तित्व था हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, कवि हृदय, वक्ता और शिखर पुरुष श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का। कहते थे कि अगर मैं राजनेता नहीं होता तो मैं शेष का कवि होता, क्योंकि वो कवि राजनेता होते हुए भी वो कवि रहते थे। और ये मेरा सौभाग्य था कि जब वो प्रधानमंत्री बने और उसी समय मेरे ससुर जी भी सांसद थे और उनकी पुस्तक का विमोचन था और अटल जी प्रधानमंत्री बने तो उनके लिए उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया। और मेरे ससुर जी का फोन आया दिल्ली से कि मंजू तुमको कल की कल फ्लाइट से आना है, क्योंकि पूरा कार्यक्रम को तुम्हें संचालित करना है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब सौभाग्य का दिन था कि जिस मंच पर अटल जी हों और उस मंच से मैं बात करूं। और पहले भी मैंने अटल जी को दो तीन बार सुना था और अटल जी ने मुझे मेरे शादी के समय देखा था, उस समय देखा नहीं। जब मैंने संचालन किया कार्यक्रम हुआ तो मेरे ससुर जी से उन्होंने पूछा कि ये कौन है, कोई मतलब प्रोफेशनल है क्या, कोई कहीं से आई है जो संचालन कर रही है? तो मेरे ससुर जी ने कहा कि नहीं, ये तो मेरी कवयित्री बहू है। तब उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि इसी तरह से खूब आगे बढ़ो और कविताओं का सृजन करती रहो। तो उनका ये आशीर्वाद मेरे सर पर है, इसीलिए मैं आज यहाँ पर दो शब्द उनके लिए बोलने लायक बन सकी। और तब मैंने उनके लिए एक छोटी सी कविता लिखी थी कि अटल आज आप व्यक्ति नहीं हो, जन जन की अभिलाषा हो, भारत माता के सच्चे सपूत राजनीति की परिभाषा हो। आपको फूलों का नहीं कांटों भरा ये उपवन मिला है, पद की गरिमा महिमा खाते चिरकालीन ये ताज मिला है। अभिनंदन सतवार आपका, अभिनंदन सतवार आपका। नए क्षितिज को पाना होगा, बनी नहीं है राह अभी तक, उस सीमा तक जाना होगा, नया इतिहास बनाना होगा। अभिनंदन सतवार आपका। दोस्त हो या दुश्मन हो, सभी को ओजस्वी पुरुष लगते हो, चारों ओर फैले हुए इस तमस में सूर्य की तेजस्वी किरण लगते हो, अभिनंदन सतवार आपका। अपनी खुशियां आप तक पहुंचाने भले अभी वे शब्द नहीं है, किस तरह व्यक्त करो भावों को अपने भले अभी वे अर्थ नहीं है, निर्भय निश्चल निर्मल हे अटल, आप अपने फ्रंट पर सदैव अटल ही रहना, अभिनंदन सतवार आपका। हम सबकी यही प्रार्थना है कि आपके पद का हर पत्थर पुष्प बन जाए, अपने हो या पराए आप सब दिल अजीज बन जाए, और आपके मार्गदर्शन में हमें हमारा कश्मीर मिल जाए, हमें हमारा कश्मीर। अटल जी के लिए, और अटल होता है ना नीचे होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। कि हर अंधियार हर दोपहर में अंधियारा है, सूरज परछाई से हारा है, अंतर मन का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती को सुलगाएं, चलो फिर से एक दिया जलाएं, चलो फिर से एक दिया जलाएं, चलो। आप सभी आर्टिस्ट यहाँ पर हैं, आपकी कला दिनों दिन उन्नति की तरफ जाए और हम सब में से कोशिश करें कि आपकी कला को कहीं कहीं से प्लेटफॉर्म मिले। कहते भी है ना कि कांटे आते हैं तो आने दो, तुम सिर्फ एक फूल खिला दो, अंधेरे को कोसो मत, तुम सिर्फ एक दीप जला दो। एक फूल की भी सुगंध सूची दूर दूर तक जाती है, एक दीप की कनक मली का तम पर विजय मनाती है। जो एक एक फूल हम सब मिलकर खिला दें तो चीर बसंत कहलाए, और जो एक एक दीप हम सब मिलकर जला दें तो अंधकार का नामो निशान मिट जाए। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के श्रद्धांजलि के रूप में मैं चाहूंगी कि आप सभी दो मिनट का अवमान साथ वकालत करने गए और दोनों बाप बेटों ने साथ में वकालत की। आप लोगों को ये सब मालूम नहीं होगा, और उनको क्या एक ही सेक्शन मिला। तो कई बार ये होता था कि क्लास में बाप पिताजी नहीं आए तो बेटे को पूछते पिताजी कहाँ हैं, और बेटा नहीं आया तो पिताजी तुम्हारा बेटा किधर गया है। तो मतलब ये सब हंसी मजाक उनके चलते रहते थे।
तो कला है, और कला कहते हैं ना कि कला हमारे रचनात्मक ऊर्जा की प्रतीक है, और कला को सोचना और समझना और ये हमारी प्रारंभिक जरूरतों में से एक है। और कला से हटकर जो लोग जीने की कल्पना करते हैं वो लोग स्वाभाविक रूप से जड़ता के शिकार हो जाते हैं। तो इसको सोचने, समझने और देखने की ललक हमारी एक सहज प्रक्रिया है। कई बार होता है ना कि हम यहाँ इसमें देखते हैं कि ये चित्र टूटा फूटा है, कहीं सूरज ऊपर से नीचे गिर रहा है, मतलब अलग अलग चित्र बनाते हैं, लेकिन हर चित्र एक कहानी कहता है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। और इसको समझने के लिए हमें हमारा जो दिल है उसमें डालना पड़ता है। जब मन का संस्पर्श चित्रों को मिल जाता है तो हमारी सारी जटिलता का हल मिल जाता है। तो आज ये यहाँ पर विभिन्न लोगों की कला को यहाँ पर मनमोहन जी ने एक साथ एक जगह प्रकट किया, इसके लिए मनमोहन जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और ये हमेशा ये कार्य करते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे जो भी चित्रकार हैं वो आगे आएँ। आज देखिए कई जगह तो कई चित्रकारों की एक एक चित्रकला करोड़ों में बिकती है, और तो कहीं किसी की कुछ बिकती ही नहीं है। हमको चाहिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पर जितने भी कलाकार हैं सभी की कला को एक सम्मान दें। मैम, यू आर हियर टू सपोर्ट आवर, व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट एंड व्हाट वी हैव सीन द पेंटिंग्स, व्हाट यू हैव सीन, अमेजिंग आर्ट, हाउ वी गॉट पीपल आर सो क्रिएटिव एंड ओरिजिनल एंड यू नो दिस सेवरल वेज ऑफ लुकिंग एट अ पेंटिंग, इट्स आउटस्टैंडिंग व्हाट टैलेंट वी हैव इन दिस कंट्री। थैंक यू मैम, मनमोहन जी, एवरीवन जो कहना चाहिए सब कुछ साथ में लेकर कितना इजी है कितना आई आई और I have been doing this as about. Just start. I have been organizing exhibition in Mumbai since last 8 years, and I'm trying to bring all sort of artists together. And जैसा कि मंजू भाभी ने कहा कि कुछ आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, कुछ थोड़े पीछे रह जाते हैं टैलेंट होने के बाद भी, नेशनल अवार्ड होने के बाद भी। तो हमारी कोशिश है कि हम एक बेहतर प्लेटफॉर्म आर्टिस्ट को भी दें, और जो आर्ट लवर्स हैं, जो रियल आर्ट के कदरदान हैं उनको भी दें। और जैसा कि हमारा जहांगीर आर्ट गैलरी काफ़ी एडवांस बुक होता है, उसकी बात जाने देते हैं। महाराष्ट्र में करीबन 150 आर्ट कॉलेज हैं, और जो भी वहाँ से ग्रेजुएट होते हैं एवरी ईयर अबाउट 600 to 700 BFA MFA हर आर्ट कॉलेज से लोग निकलते हैं, तो उनका कोई फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो थोड़े स्मार्ट हैं या जिनका बहुत अच्छा काम है वो तो ठीक है, बट बहुत सारे आर्टिस्ट नेशनल और बाकी भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे। हमारी कोशिश है, और फिर हम कुछ ऑनलाइन भी कुछ हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछली बार बोला था, मैं एवरी ईयर पहले 2 एग्जीबिशंस करता था, तो काफ़ी सपोर्टर लोग हैं, मंजू भाभी जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो हिम्मत होता है। और हम चाहते हैं कि हम और भी अच्छे आयोजन करें, और आर्टिस्ट को भी और बायर्स को भी हम एक अच्छा यंग आर्टिस्ट के लिए, मतलब जो अप्लाई करना चाहते हैं या फिर अपनी खुद की पेंटिंग्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एनी एनी प्लेटफॉर्म फॉर देम? या दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर देम, एंड मतलब इसमें पहले तो मैं मास्टर्स भी रखता था, नाउ आई एम नॉट टेकिंग मास्टर, बट इसमें सारे इस बार तो काफ़ी एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं, सारे सीनियर्स ही हैं, बट कोई यंग है, और मुझे लगता है कि हमको उन्हें रखना चाहिए। तो एक मनमोहन जी ऐसा करेंगे, जो एकदम नए नए हैं आर्टिस्ट हैं, हम उन्हीं का एग्जीबिशन रखेंगे, उनके साथ बड़े कलाकारों का नहीं रखेंगे। तो क्या होता है कि बड़े कलाकारों की पेंटिंग तो बिक जाती है, क्योंकि वो छोटे वालों की पेंटिंग वहीं रह जाती है। तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा दीजिए जहाँ सिर्फ सारे नए कलाकार, बडिंग टैलेंट हैं, जिनको जो ठीक से समझ नहीं आउट गोइंग टू मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी एंड डिस्प्ले, तो जैसा इन्होंने कहा कि इनका आशीर्वाद रहा तो जरूर हम करेंगे, हम लोग मिलकर करेंगे, साथ में करेंगे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, मनमोहन सिंह जी ने जो ऑर्गेनाइज किया है कलर्स ऑफ स्क्रीन, क्या कहेंगे इस बारे में, और यहाँ की पेंटिंग देखिए आपने कैसे लगी? सबसे पहले मैं मनमोहन जायसवाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहता हूं, देता हूं। ये जो इन्होंने ये उपराला करते हैं या जो इंस्पिरेशन लेते हैं दुनिया से और दुनिया को देते हैं, खास करके आर्टिस्ट को, जो जिनको लोगों ने पहचाना नहीं है या जो छुपे हुए हैं उनको उभार,
उभारने के लिए, उनको उभार लाने के लिए, उनको दुनिया में उनको एक्सपोज करने के लिए जो ये जो मेहनत करते हैं, पहली बार सबसे पहले इसका अभिनंदन हुआ। दूसरा, ये जो कलर्स ऑफ स्प्रिंग ये प्रोग्राम मैंने रखा है सिंधुजा आर्ट गैलरी में फिश कैंडी पे, ये इनका 10वां साल है जब इसे उन्होंने शुरू किया प्रोग्राम, और 10 साल ऐसे निकल गया जैसे कुछ महीने या कुछ साल, क्योंकि इनकी जो लगन है, इनका जो लगाव है, इनकी जो जो इनकी जो झुकाव है ये आर्ट की तरफ, आर्टिस्ट की तरफ इतनी ज़्यादा है, मैं समझता हूँ बहुत कम लोगों में ये बातें होती हैं। तो ये दिल में एक भावना होनी, ये भी एक देश की सेवा है, क्योंकि देश हमारा इतना अमीर है, इतना उच्च कोटि पे पहुँच सकता है, पहुँचा हुआ है। ऐसे जो आर्टिस्ट यहाँ पे हमारे देश में हैं, जिनको अभी उभारना है, जिनको आगे लाना है, उनको लोगों के सामने प्रस्तुत करना है, ये जो काम रंगमंच कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक मुबारकबाद चीज़ है, और आपके लिए लोगों में बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सालों में भी आगे जो फ्यूचर है उसके अंदर ऐसे ही मेहनत करेंगे, और आर्टिस्ट को जो बड़े आर्टिस्ट हैं, छोटे आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए एक प्रेरणा बनेगी, जिससे कि इनकी भी एक इनको जो अंदर का जो उनका जो जो गॉड गिफ्ट है, जो परमात्मा ने, वाहेगुरु ने, अल्लाह ताला ने दी है, ये बाहर आएगा और लोग देखेंगे और इनको पहचानेंगे लोग। बाकी कमर्शियल एस्पेक्ट है वो तो है ही है, हर इंसान कमर्शियल अपना काम करता है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी बात है, लेकिन इनको इनकी पहचान बनना दुनिया में उससे भी ज़रूरी है। मैं फिर से मनमोहन जी को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट जो मैं मुंबई का अध्यक्ष हूँ, कपड़ा व्यापारी एकता एसोसिएशन जो मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ पे, और मेरी पर्सनल जो एक शुभकामनाएं हैं मैं इनको देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं मनमोहन जी, और भगवान करें, अल्लाह करें, वाहेगुरु करें, आप ऐसे ही आप इस चीज़ को उभारते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। और इसके साथ साथ मैं तो आपको जो बताना चाहता हूँ कि मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हूँ, टेक्सटाइल हम लोग कपड़ा बनाते हैं, उसके साथ हम देश की सेवा करते हैं, और उसके साथ जैसे मनमोहन जी कर रहे हैं कि लोगों को उभारना, ये चीज़ों को पब्लिस करना, एक्सपोर्ट करना, जिनके अंदर टैलेंट है, उसके साथ हमने, मैंने और मिल के, ये फिल्म एक्ट्रेस हैं, टीवी एक्ट्रेस भी हैं, तो हमने दोनों ने मिलकर एक ब्यूटी सैलून खोला है, ब्यूटी लाउंज खोला है, उसका नाम VFS ब्यूटी लाउंज है, और हमारे ब्यूटी लाउंज की तरफ से भी मनमोहन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन, मेरी मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, 10 साल कंप्लीट किए हैं एग्जीबिशन के साथ, और जैसे मैंने पेंटिंग्स देखी बहुत बढ़िया।